इंट्रोड्यूसिंग नोकिया 8.2। सो दोस्तों, बहुत ही जल्दी इंडिया में नोकिया 8.2 को लॉन्च करने वाला है और इसमें आपको 32 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा के साथ आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट और बैक में ट्रिपल रियर कैमरा के साथ आपको इसमें स्नैपड्रैगन का 730 का प्रोसेसर भी देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों, आज हम इसी वीडियो में बात करेंगे इसी न्यू फ़ोन नोकिया 8.2 के बारे में, जो कि बहुत ही जल्द इंडिया में लॉन्च होने वाला है। सो दोस्तों, आज हम जानेंगे इसकी स्पेसिफिकेशन, कब तक लॉन्च होगा इंडिया में और क्या रहेगी इसकी प्राइस। फुल डिटेल्स में इस वीडियो में हम बात करेंगे, तो वीडियो को शुरू कर देते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस फ़ोन की डिस्प्ले और डिज़ाइन के बारे में। सो दोस्तों, इस फ़ोन में आपको ग्लास बॉडी देखने को मिल जाएगा, साथ में बैक साइड में आपको ट्रिपल रियर कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। फ्रंट साइड में आपको फुल व्यू डिस्प्ले के साथ एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट के साथ आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा, जो कि इस फ़ोन के लुक को और भी बेहतरीन बना देता है। और आपको इस फ़ोन में 6.39 इंच का फुल HD सुपर एम्बुलेट डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, आपको इस फ़ोन में कैमरा भी बहुत ही बेहतरीन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों इस फ़ोन में आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिल जाएगा, जो कि मेन सेंसर है 48 मेगापिक्सल, 30 मेगापिक्सल वाइड एंगल लेंस और 8 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा। और दोस्तों, इस फ़ोन से आप 4K फुल HD वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो। फ्रंट साइड में आपको सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सल का एक पॉपअप सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाएगा, जो कि कैमरा बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। जैसे कि आपको पता ही है कि नोकिया का जो फ़ोन होता है कैमरा के लिए बहुत ही जाने जाता है, तो इसमें आपको कैमरा में कोई कमी देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, इसमें आपको स्नैपड्रैगन 730 का प्रोसेसर भी देखने को मिल जाएगा, जो कि 730 से पावरफुल प्रोसेसर है। और आपको दुनिया का पहला ऐसा फ़ोन मिल जाएगा जिसमें आपको स्नैपड्रैगन 735 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं इस फ़ोन की बैटरी के बारे में। सो दोस्तों, इस फ़ोन में आपको 3700 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगा और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगा, जो कि बॉक्स के अंदर ही आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाएगा। और इसमें आपको माइक्रो USB टाइप सी के साथ 3.5 mm हेडफोन जैक भी देखने को मिल सकता है। और आपको इस फ़ोन में एंड्रॉयड क्यू का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, जो कि स्टॉक एंड्रॉयड के साथ आएगा। तो आप बात कर लेते हैं इस फ़ोन की प्राइस और लॉन्च डेट के बारे में। सो दोस्तों, इसमें जो 6 128 GB का प्राइस होगा वो लगभग आपको 20 से 22 हज़ार के अंदर देखने को मिल सकता है। और 8 256 GB का प्राइस होगा 25 से 27 हज़ार के अंदर देखने को आपको मिल सकता है। दोस्तों, नोकिया का ये फ़ोन इसी प्राइस में आता है ना, तो K20 को भी कड़ी टक्कर देने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस फ़ोन में नोकिया का रेडमी K20 Pro से भी बहुत ही अच्छी अपग्रेड देखने को मिल जाएगा, साथ में नोकिया का ब्रांडिंग तो इसी प्राइस में लॉन्च करता है ना, तो आपको इस फ़ोन को बहुत ही अच्छी चलेगा, क्योंकि इसमें आपको प्रोसेसर भी K20 से भी अच्छी देखने को मिल जाएगा। सो आपको इस फ़ोन में क्या अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि मेरे हर वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। सो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।